जनाला एक छोटी सी माहिती सांगतो आम्ही आज भीमा कोरेगाव आज हम लोग आज भीमा कोरेगाव इस जगह पर यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो आप माहौल देख रहे हैं यहाँ का ये जो माहौल एक शौर्य का चिन्ह है जो कि हमें अपने बाबा साहब अंबेडकर साहब ने 1927 में यहाँ पर आकर के इस शौर्य का एक पहचान हमें दी है। इस पहचान का महत्व अगर आप जानना चाहेंगे तो पहचान का महत्व यह है कि 1 जनवरी 1818 इस दिन को यहाँ पर हम जिस कास्ट से आते हैं जिस जाति से आते हैं महार जाति से उस जमाने में ब्रिटिश जमाने में हमारे पर बहुत से अत्याचार हुआ करते थे। अत्याचार बोलने से आप पीछे हिस्ट्री जाओगे तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। उस टाइम पर ब्राह्मणों का राज हुआ करता था। राज ऐसा था कि हमें जमीन पर चलना भी हमें मुश्किल था। हम अपने जमीन पर चलते समय एक सामने गले में मटका हुआ करता था और पीछे झाड़ू हुआ करता था ताकि हम अगर थूके तो उस मटके में थूके और चले तो हमारे कदम उस जमीन पर दोबारा ना आए। ऐसे हमारी हालत थी। तो हमने उस जमाने में हमारे महार सैनिकों ने अपने हक के लिए ब्रिटिश सरकार से जाकर के बोला कि हमारी जो हालत है आज इसको आप हटा दीजिए, क्योंकि उस टाइम पर ब्रिटिश का राज हुआ करता। ब्राह्मण उनके कान भरा करते थे और हमारे ऊपर अत्याचार हुआ करते थे। इसलिए उन्होंने बोला कि आप ये जो हमारी हालत है इसको आप निकाल दीजिए और हमें जो भगवान ने हमें हिंदू करके जन्म दिया है हमको उस तरीके से हमें इस संसार में यूज किया जाए, पेश किया जाए। लेकिन पेशवाई लोगों ने हमारी हालत बुरी कर दी थी। उस टाइम पर हम लोग उनके पास गए, पेशवा के पास गए। पेशवा के बोला कि भाई हमें हमारे साथ में जो हरकत हो रही है हमारे साथ में जो कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई को आप हटा दियो। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, आप नीच जाति से आते आपको ये भुगतना ही पड़ेगा। फिर हमने ब्रिटिश सरकार से जाके मिले, अंग्रेजों से जाके मिले। अंग्रेजों ने बोला कि भाई ठीक है आप अगर हमारे साथ में मिलकर के उनके साथ लड़ाई करते हो तो हम आपका ये कार्रवाई ये जो आपके साथ में जो घट रहा है इसको हम निकाल सकते हैं। तो फिर जा करके हमारे कुछ सैनिक जो कि आप इसके ऊपर जो निशान देखेंगे इसके ऊपर जो नाम पढ़ेंगे वो जो नाम है वो नाम के जो सैनिक थे उस सैनिकों ने जाके उनके साथ में मिल करके ये जो नदी देख रहे हैं यहाँ से पीछे साइड में जो नदी है इस नदी के भीमा कोरेगांव की जो नदी है उस पार में लोगों को इस पार ले आने दिया और 28,000 सैनिकों को पेशवों को उनको कत्ले आलम कर दिया। बड़े बड़े आप अगर उन उस तालम के महार सैनिकों के अगर अब तलवार देखेंगे तो 6-6 फुट की तलवार, ये मेरा सैनिक है ना सुभाष कांबड़े, इससे भी ऊंची तलवार हुआ करती थी उस टाइम पर। इसकी तलवार जो 6-6 फुट की तलवार थी उस तलवार से लोगों के उनकी हालत खस्ते कर दी और हमने विजय हासिल की। तब जा करके हमारा वो जो ये था जो हमारा जो हालत थी वो हालत थोड़ी बहुत दूर हो गई और बाबा साहब ने जो हमारे टाइम पर सैनिक थे हमारे सैनिकों को ब्रिटिश काल में हमारे सैनिकों को उस टाइम पर लड़ाई के लिए बुलाया जाता था। वो युद्ध हुआ करते थे महायुद्ध, उस टाइम पर बहुत महायुद्ध होते थे, महायुद्ध में बुलाया जाता था और महायुद्ध करा करके हमारे सैनिकों को आकल देते थे, बोले जाओ तुम्हारा काम खत्म होकर चले जाओ। लेकिन हर बार में हमारे बुला जाते थे, हमारे से लड़ाई किया जाता था और हमें आकल देते थे। ये हमारी हालत थी। लेकिन हमारी सैनिक हमारे सेना हमारी इंडियन आर्मी के अंदर एक भी सैनिक नहीं हुआ करता था हमारे कास्ट का। लेकिन उस टाइम पर जो हमारे सैनिक थे जो 1 साल नौकरी करके आए, 2 साल करके आए, 1.5 साल करके आए, 2 साल करके आए, वो सैनिकों ने जब बाबा साहब जवानी में आए जो उनके साथ में मिल करके ब्रिटिश सरकार से लड़ा दिया और बोला कि मैं मेरे सैनिकों को सेना के अंदर देखना चाहता हूँ क्योंकि मेरे सैनिक जो आज ये इतना शौर्य कर रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हर सेना में जाकर के युद्ध में जाके फतेह हासिल करते हैं लेकिन आप उनको कोई भी फैसिलिटीज दे नहीं रहे, उनकी सेना में लोग नहीं है, क्यों ऐसा क्यों? तब जाके लड़ाई देने के बाद में काफ़ी कुछ करने के बाद में 1941 में नागपुर में मेरे रेजिमेंट की पहली बटालियन तैयार हुई उधर ही। फिर उसके बाद सेकंड बटालियन तैयार हुई, उसके बाद एक के पीछे एक 22 बटालियन है आज मेरे महार रेजिमेंट से। आज एक सैनिक देख रहे होंगे आप ये मेडल लगा हुए, ये जो मेडल है ये ऐसे ही नहीं है, किसी ने कुछ ना कुछ गवाया है अपना, मेरे जैसे ने टांग गवाई है, किसी ने कुछ कुछ गवाया है तब जाके ये मेडल मिलते हैं और महार रेजिमेंट का नाम ऊंचा होता है। बाबा साहब ने वो लोगों से लड़ाई देने के बाद आज जो आप हमारे कैप के ऊपर जो बैच देख रहे हैं ये बैच जो ये
आपका जो प्रतीक है, ये प्रतीक हमारे बैच के बीच में नजर आएगा आपको, जो शूरों का प्रतीक है जो आपको यहाँ पर नजर आएगा। और मार रेजिमेंट की सेना बाबा साहब ने उस टाइम पर उन लोगों से लड़ा दे करके आज महार, यहाँ पर जो कंधा नंबर आता है हमारा महार लिखा जाता है, और उस महार रेजिमेंट के अंदर आज ब्राह्मण, जोशी, कांपिक, कोई भी जितने भी ब्राह्मण कास्ट के लोग हैं सब आकर के पेट पालते हैं। आज 22,000 लोग मेरे सैनिक है, 22,000 के साथ में जुड़े हुए कई लोग हैं, उनके माता है, पिता है, बहनी, बच्चे, कई लोग जुड़े हुए, कई लोग आज पेट भरते और उस महार रेजिमेंट के ऊपर हर कास्ट का आदमी पेट भर रहा और पेंशन पा रहा है मेरे जैसा। मेरे को 20 साल हो गए रिटायर होकर के, मैं आज 20 साल मेरे बच्चे उसी पेंशन पर पाल रहा हूँ। साहब जी, आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे महार रेजिमेंट के सिर्फ इस रेजिमेंट के अंदर सिर्फ 7 महार प्योर नाम के साथ, सिर्फ नाम से प्योर महार के नाम से 7 बटालियन है, सिर्फ 7। फर्स्ट महार, सेकंड महार, थर्ड महार, 7 महार, 8 महार और 13 महार। मैं 13 महार से हूँ, जो प्योर बटालियन है, जो प्योर महार का आदमी है। अगर उधर सुबेदार मेजर बनेगा तो सुभाष कांबड़े बनेगा, कोई सिंह नहीं बनेगा। ये मेरा रेजिमेंट का रूल्स था, कांबड़े बनेगा, चौहान बनेगा, और पे बनेगा, सुभाष कंकाल बनेगा, ऐसे लोग हुआ करते थे। ऐसा रूल से अभी भी, लेकिन कुछ लोगों ने उस रूल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आज। और बाकी जो यूनिटों के अंदर है, बाकी जो 22 बटालियन है, उसमें सब लोग, सभी कास्ट के लोग जाकर के पेट भर रहा है, रोटी खा रहा है। किसके कारण? मेरे बाबा साहब के कारण, मेरे महार रेजिमेंट के कारण। ये छोटी बात नहीं, मैं आज आप लोग साहिबान को बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। और आज ये सैलाब देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये और भी बहुत सैलाब होगा आज इस साल में। हर साल में मैं आता हूँ, हर साल में इतना, आज बहुत बड़ा सैलाब है। ये सैलाब न रुकने वाला सैलाब है साहब लोग, ये ध्यान रखो। अपने जो छोटे बच्चे हैं इनको इसकी प्रेरणा दो, और महार रेजिमेंट के बारे में और महार सैनिकों के बारे में जो जोश है वो होश याद करो। महार सैनिक उसका नाम है, मेरा महार सैनिक यहाँ से गर्दन कट गया, वो राव कांबड़े को याद करता कभी कभी। 2 मिनट MMG मशीन गन के ऊपर से ट्रिगर नहीं हटा, गर्दन कट के नीचे गिर गई, लेकिन वो 1,100 लोगों को मारने के बाद में तब जाकर उसके नीचे बॉडी गिरा था। वो राहुल कांबड़े, वो मेरा महार रेजिमेंट का सैनिक है। ऐसी कई कहानियां है साहब जी, बहुत कहानियां है ऐसी जो आप लोग को बताने के लायक नहीं है, ठीक है। तो वो सैनिक है 24 घंटे बर्फ कर खड़ा करके, अपना पैर गवा करके, आप लोग सब सेना की, सब लोगों की रक्षा करने वाला सैनिक है। तो ये मेरा महार रेजिमेंट का इतिहास है। अभी बताने जाओ तो सुबह हो जाएगी, इसमें कोई कारण नहीं है। अभी सिर्फ सब लोग एक आवाज में बोलेंगे, अलारे अला, अलारे अला, अलारे अला, अलारे अला, महार रेजिमेंट के, महार रेजिमेंट के, महार रेजिमेंट के, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मेरा नाम सुभाष केरनाथ, मैं बदलापुर से आया हूँ और मेरा खुद का बिजनेस है। इस जगह पे बाबा साहब अंबेडकर जब यहाँ पे आए थे तो यहाँ का जो इतिहास है 500 महारों का और 28,000 पेशवा का, उस इतिहास के प्रति हम कटिबद्ध होकर इस इतिहास में हम कुछ लेने यहाँ पे आते हैं। जैसे कि आप, हम देखते हैं कि महार जो जाति थी वो वंश परंपरागत वो बहुत ही मजबूत थी और बहुत ही क्रियाशील होती थी। आज अगर हम देखते हैं अपने कोई भी प्रोग्राम में तो ये समाज पूरा एकरूप होके सब कार्यक्रम में अब सम्मिलित होते हैं और अपना सहभाग लेते हैं। इस जगह पे सुभाष केरनार, मैं खुद यहाँ पे आया हूँ इस 500 महारों को वंदन करने, ताकि मेरी आने वाली पीढ़ी वो भी इससे कुछ सीख ले और हमें भी कुछ यहाँ से मिल सके। और हम लोग जब यहाँ पे आते तो हमको बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत।